बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा किसानों के जो मुद्दे पेश किए हैं, जिसके लिए बड़ा पैकेज दिया गया, इसके साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर प्रताप सरनाईक बोले कि यह शीत सत्र पॉजिटिव रहा है। आखिरी दिन जो है महाराष्ट्र को और विदर्भ को क्या दिया शीत सत्र 2023 ने, क्या बताया? देखिए, जो भी किसानों के सवाल के बारे में सवाल पूछे थे ये अधिवेशन में विरोधियों ने और साथ साथ हमारे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने, उनको तो भरपूर पैकेज बड़े पैमाने पे दिया। रहा महाराष्ट्र की बहुत ही अलग अलग मराठा समाज का जो मोर्चा था उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने निवेदन दिया। हमारे एमएमआर क्षेत्र के जो जो सवाल थे मुंबई से लेके ठाणे से लेके न्यू बॉम्बे पनवेल, तो वो भी बहुत सारे मुद्दे हमारे थे, उसको भी जवाब दे दिया। तो बहुत ही पॉजिटिव ये अधिवेशन रहा है और आज आखिरी दिन है। मेरे ख्याल से विदर्भ के लिए तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि विदर्भवासी भी सोच रहे कि कुछ ना कुछ इस अधिवेशन के माध्यम से ये सरकार हमें दे देगी, तो मुख्यमंत्री जी उसके बारे में भी आज निवेदन दे देंगे। तो बहुत ही अच्छा अधिवेशन का कार्यकाल रहा और जितने भी सवाल थे उसने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को जवाब देने की जिम्मेदारी जो सरकार की होती है वो निभाई है। आपने बताया कि पॉजिटिव रही है सरकार, लेकिन विपक्ष जो है आज आखिरी दिन निषेध कर रहा है काली फीत लगाकर। विपक्ष है कहाँ पे, ये तो 10 दिन हो गया मगर 10 दिन में विपक्ष तो कुछ दिखा ही नहीं है। सिर्फ वो विधिमंडल के पायरे पे आके घोषणा देने का, बैनरबाजी करने का, काला पट्टी लगा के बैठ जाने का, इसके सिवा उन्होंने किया है क्या? और भविष्य में भी हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि उनको इसके ज्यादा और कुछ करने को मिलेगा भी नहीं। मराठा आरक्षण पर आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल जो है निर्णय लिया है, लेकिन जरांगे पाटिल ने यह भी कहा है कि 24 तारीख तक अगर निर्णय नहीं ले सकते तो हम आंदोलन की दिशा रखेंगे, और अगर आंदोलन होता है तो बच्चू कड़ू ने ये भी कहा है कि प्रहार संगठन जरांगे पाटिल के साथ होगी, क्योंकि बच्चू कड़ू अभी सत्ता पक्ष में। कहां तक है? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये बात ही नहीं आता है, क्योंकि मराठा आरक्षण है, वही सब विधायक जो है सभी पार्टी के विधायकों ने उसको उसका समर्थन दिया। मगर समर्थन देने के साथ साथ ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी तरह से ओबीसीयों का आरक्षण कम करके हमको मराठाओं का आरक्षण नहीं देना है, हमको उनका आरक्षण वैसे ही रखे, मराठाओं को अतिरिक्त आरक्षण देना है। और जिसकी वजह से समाज में कोई अलग तरह की मैसेज नहीं जाए, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार के माध्यम से होती है। और फरवरी में उन्होंने इस बारे में अलग अधिवेशन लेने की जो घोषणा की है मराठा आरक्षण के लिए, तो उसका स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आरक्षण तो इसके पहले भी देने की कोशिश बहुत सारे सरकारों ने की थी, मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि टिकने वाला आरक्षण जो न्यायालय में अगर कोई जाएगा तो टिक सके, ऐसा ही आरक्षण देने की भूमिका एकनाथ शिंदे साहब की थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को नमन करके उन्होंने कसम खाई है कि मराठाओं के आरक्षण दिए बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा, और वो निभा रहे। तो ये थे विधायक प्रताप सरनाईक, और इन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है राज्य के, ये सभी मुद्दों को लेकर सकारात्मक है। कैमरा पर्सन अजित कुर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।